शिमला के गेयटे में हुआ 6 दिवसीय ग्रुप पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन एमएलए शिमला सिटी हरीश जनार्था ने किया। लैंग्वेज डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एग्जीबिशन का शुभारंभ, 7 कलाकारों की 100 के करीब पेंटिंग की जमकर सराहना कर रहे हैं दर्शक। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित 6 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने किया और एग्जीबिशन में 7 कलाकारों की 100 के करीब पेंटिंग को शामिल किया गया है। भाषा विभाग तथा प्रदेश विश्वविद्यालय के सौजन्य से आयोजित इस एग्जीबिशन में हिमाचल की सुषमा शर्मा, अमीशा, निर्मला, सपना व कृतिका के अलावा नेपाल की जमुना गुरंग व सुष्मिता राय की पेंटिंग को शामिल किया गया है। एग्जीबिशन में मौजूद पहाड़ों के दृश्य संबंधी विभिन्न पेंटिंग्स की दर्शक जमकर सराहना कर रहे हैं और आगामी 16 अप्रैल तक यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। एमएलए शिमला सिटी हरीश जनार्था ने एसपी यूनिवर्सिटी के विजुअल व फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा बनाई गई इन पेंटिंग्स की जमकर सराहना की और लैंग्वेज डिपार्टमेंट तथा यूनिवर्सिटी ने समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे इवेंट करते रहने को कहा। कांग्रेस विधायक ने प्रदेश सरकार से भी ऐसे आयोजनों के लिए विभिन्न सरकारी परिसर कम से कम कीमत पर अथवा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में इन दिनों दुनिया भर के पर्यटक पहुंचते हैं और इस तरह की प्रदर्शनी न केवल उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है बल्कि फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट के नए छात्र भी इस तरह के इवेंट से इंस्पायर होते हैं। एक बहुत अच्छी पहल है और ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है हमारा फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स का, तो उसके माध्यम से हो रहा सर, इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है, ये एक इनकरेजिंग एक एफर्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो उन्होंने काम किया कार्य किया, आर्ट एंड पेंटिंग इज़ ऑलवेज टू बी एग्जिबिटेड, तो उसी इशू के लिए जो अभी इन्होंने यहाँ पे लगाई है। मुझे उम्मीद है शिमला के लोग भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, हमारे बच्चों की आर्ट देखें, इनकी मेहनत है। ये अभी 6-7 बच्चों ने इनको अपने पेंटिंग्स ला के एग्जिबिट की है और हमारा ये कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे इवेंट्स ग्रेजुअली होते रहें। इससे एक तो इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को और उनके जो उन्होंने के जो वर्क्स हैं उसकी सराहना भी होती है, लोग आते हैं देखते हैं और इनको भी इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि एटलीस्ट जो उन्होंने किया है वो फाइलों में बंद नहीं रह के एग्जिबिट होता है, दुनिया इसको देखती है हिमाचल में। और अब हमारे साथ यहाँ पे डीन साहब हैं, एम चटर्जी हैं, प्रिंसिपल मैम है यहाँ पे और सर हैं और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर से भी लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। जब ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं इसमें, संस्थाओं में भी कई संस्थाएं हैं जो इस चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जिसका भी जो हिडन टैलेंट भी है कोई इधर भी है तो उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू या लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी आता है और उनके पास एक अपने एग्जिबिट करने के लिए उनके पास अपना जो मटेरियल है, तो उनको हम सरकार की ओर से यही सराहना दे सकते हैं कि उनको परमिशन दिया जाए और नॉमिनल रेट्स पे या आपके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एग्जिबिशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हिमाचल में लगाए जाए।